वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। और टैली प्राइम में सीखेंगे क्या हम, देखिए कई बार से क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा जीएसटी ही नहीं कैलकुलेट होता है, जबकि जीएसटी को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं मैं, लेकिन समस्या है तो सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए जीएसटी ना कैलकुलेट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपने ठीक से जीएसटी सेट नहीं किया, ठीक है, आपने जीएसटी ऑन ही नहीं किया, ये दूसरा कारण हो सकता है। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप बिगिनर स्टूडेंट हैं और पुराना कोई टैली का वर्जन आपने रखा है और उसको आप यूज कर रहे हैं, ये तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है कि आप 2017 के पहले का कंपनियां बना के रखे हैं, 2017 के पहले एक कंपनी यूज कर रहे हैं और उसमें जीएसटी आप खोजना चाहते हैं, तो जुलाई 2017 के पहले आप खोजेंगे तो उसमें आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टैली प्राइम में क्यों नहीं कैलकुलेट होता है। भाई टैली प्राइम तो नया है और कंपनी भी हम बनाए हैं 2019-20, इस तरह की कंपनी कोई बना रखी है, इसमें क्यों नहीं कैलकुलेट होगा। हो सकता है आपने जीएसटी ऑन ही ना किया हो, अगर ऑन भी कर दिया तो भी ऑन करते समय उसमें गलती कर दी हो, अगर वहां भी गलती ना की हो तो परचेज का लेजर बनाते समय गलती कर दिया हो, इन्हीं सब की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर दुर्गा किराना स्टोर नाम से एक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर की बात है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वर्ड के साथ F2 यहाँ से प्रेस कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाला बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये देख सकते हैं ये पीरियड इसमें 2020-21 दिखा रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, डेट चेंज कर सकते हैं F2 प्रेस करके, यहाँ पे 20 कर देता हूं, तो यहाँ पे अब डेट चेंज हो जाएगी, तो हम 1 मई 2020 में आ चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे 1 मई 2020 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डेट तो हमारी चेंज हो गई। अब हमको क्या करना है, जीएसटी के डिटेल्स देखने हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम कि F11 प्रेस करके आप जीएसटी ऑन कर लीजिए, ऑन है कि नहीं है चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए जीएसटी नो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसको यस कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अब जैसे ही यस होगा तो ये विंडो ओपन होगी। अब अपना स्टेट देख लीजिए, कई बार स्टेट आप गलत चूज कर लेते हैं तो इसके वजह से भी दिक्कत हो जाती है। मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, चूज कर रखा है गोवा, तो कहां से आएगा, तो यहां उत्तर प्रदेश चूज करना पड़ेगा, तो ये चूज कर लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द स्टेट इज चेंज्ड हियर देन योर ट्रांजेक्शन इनवॉइस प्रिंटिंग रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स विल बी इंपैक्टेड, प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, इंपैक्टेड यानी प्रभाव पड़ना, तो एंटरप्रेस करता हूं। यहां पर कंपोजिशन और रेगुलर में आपको अभी रेगुलर रख लेना है, एंटरप्रेस कीजिए नीचे आइए, 1 अप्रैल 2020 से ही एप्लीकेबल हो रहा है। अपना जीएसटी आईएन डाल दीजिए, टैली इसको वेरीफाई कर देगा, मंथली फाइल करेंगे जीएसटी, एंटरप्रेस करके यहां पे आ जाइए। रिवर्स चार्जेस को अभी नो रखता हूं, रिवर्स चार्जेस बाद में समझेंगे। यहां पर वाई प्रेस कर दीजिए, सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को अल्टर कर दीजिए। आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर बाई डिफॉल्ट जीएसटी रेट सेट करना है, टैक्सेबल यहां पर रहेगा और यहां पे बाय डिफॉल्ट जीएसटी रेट जो सेट है वो 18% सेट है, मैं 18% रहने देने वाला हूं। यहां पे कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये अब एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद इस पूरे को एक्सेप्ट कराना है। देखिए टीडीएस नहीं चाहिए तो टीडीएस को आप नो कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दीजिएगा ये नो हो जाएगा, ठीक है ना। अब सब कुछ हो गया, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, जीएसटी आपका इनेबल हो गया, ठीक है। अब जीएसटी इनेबल हो गया तो जीएसटी लग भी जाना चाहिए, तो यहां पर वी प्रेस कर लेता हूं, ठीक है, सीधा कहां आ जाते हैं, चलिए सेल्स वाउचर खुला हुआ है, सेल्स में ही आ जाते हैं। कोई भी एक डेटर पार्टी उठा लेते हैं, लाइक ये उठा लेते हैं हम, ये सिक्का डी, तो ये एक डेटर पार्टी है और एंटरप्रेस करते हुए ये सारी डिटेल, डिस्पैच की डिटेल है, जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, कौन लेके जाएगा, करियर एजेंट का नाम क्या है, बिल वगैरह और जिस चीज के थ्रू लेके जाएगा, लाइक गाड़ी से लेके जाएगा तो गाड़ी का नंबर वगैरह, यहाँ पे जीएसटी आईएन नंबर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आगे सेल्स अकाउंट का ले जाना जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम आशीर्वाद आटा बेच रहे हैं, सेल्स वाउचर में बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता है, तो ये आ गए, अब आशीर्वाद आटा आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसकी एक्सपायरी प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो एक्सपायरी यहाँ आ रहा है इसको सेट करने के लिए हमको वापस जाना पड़ेगा स्टॉक में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आशीर्वाद आटा का स्टॉक बना है उसको अल्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक्सपायरी गलत तरीके से सेट की गई है तो इसको सही करने के लिए स्टॉक आइटम में आ जाइए, अल्टर पर जाकर के, और देखिए इसमें आशीर्वाद आटा है क्या, कहीं देखिए ऊपर ही है एकदम सबसे, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे।
अब इसका सारा डिटेल यहां पर आप सेट कर सकते हैं, लाइक ये सब तो ठीक है, यहां पर बैचेस की डिटेल को और एक्सपायरी की डिटेल को यहां पर आप सेट कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए हम दिक्कत करेगा ये तो ये इसको ऑफ कर देते हैं अभी, और जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, अब आशीर्वाद आटा ले लेते हैं यहां से, ये ले लिया सबसे पहले तो डेटर पार्टी जो हमारी थी उसका लेना इशिका, ये डेटर पार्टी थी हमारी, एंटर प्रेस करते हुए यहां पे आ गए, ये सब एक्सेप्ट करा लीजिए, यहां पे आ जाइए, ठीक है। अब यहां पे क्रेडिट लिमिट जो है 1000 सेट किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है 1000, तो 1000 से ज्यादा का आप बेच नहीं पाएंगे उधारी में, ठीक है। अगर आप कैश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधारी में 1000 से ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी आशीर्वाद आटा कर लेते हैं, तो ये आशीर्वाद आटा आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये आ गया, अब देखिए एक्सपायरी नहीं आ रहा है, हट गया है, ठीक है। तो यहां पे क्वांटिटी कर लेते हैं, तो क्वांटिटी इसकी कितनी है, तो मान लीजिए अब ज्यादा लेंगे नहीं क्योंकि 1000 है, तो यहां पे कर लेते हैं 20 किलो, ठीक है, ये 20 किलो कर लिया हमने। और रेट क्या लगाया, रेट लगाया इसका 3500 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये 700 रुपए हो गया। अब यहां पर जीएसटी लगाते हैं, तो कोई पहले से लेजर बना रखा होगा हमने जीएसटी का, तो देखते हैं सीजीएसटी का है कि नहीं, तो पहले से है। अब जैसे ही सीजीएसटी लगाते हैं तो यहां देखिए अब सीजीएसटी आ रहा है, ठीक है। एक और कारण हो सकता है सीजीएसटी न कैलकुलेट होने के पीछे, वो भी मैं दिखाता हूं अभी आपको। यहां से अगर आप लेजर्स में आते हैं, लेजर को अल्टर कर लेते हैं, तो यहां अल्टर में जाते हैं और यहां लेजर को हमें अल्टर करना है, तो एल प्रेस कर लेते हैं यहां से, ये देखिए ये लेजर के लिए हमें जाना है। यहां पर हमें कौन सा लेजर चेक करना है, सेल्स का लेजर चेक करना है, तो यहां सेल्स अकाउंट का लेजर बना होगा, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये देखिए यहां पर अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको नॉट एप्लीकेबल आप कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये सब नॉट एप्लीकेबल कर दिया हमने। अब अगर मैं एंट्री पास करने जाता हूं, वापिस से सेल्स ही वाउचर में है हम, और वही पार्टी लेते हैं इशिका डी, यही था ना, तो ये ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हुए यहां आते हैं। अब यहां पर आए, यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आ गए, 1000 का लिमिट भी है और यहां पे सेल्स आ गए। अब यहां पे क्या कर लेते हैं, आशीर्वाद आटा था ये ले लिया हमने, ये आ गए, क्वांटिटी डाल देंगे लाइक 10 किलो करते हैं इस बार, और रेट करते हैं इसका 3500 रुपए किलो। एंटर प्रेस किया, यहां पे आ गए, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब अगर आप सीजीएसटी लगाएंगे तो अब सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेल्स का लेजर आपने गलत तरीके से लगा दिया, सेल्स के लेजर में आपने कुछ चीजें छोड़ दी जिसकी वजह से ये आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑन करते समय भी ध्यान रखना है, सेल्स का लेजर बनाते समय भी ध्यान रखना है, और परचेस का लेजर अगर आपने बनाया है परचेस वाउचर में एंट्री करने के लिए, तो उस समय भी ध्यान रखना है, वो अभी बताता हूं कि कैसे वो करना है। अभी इससे बाहर आ जाता हूं मैं, बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद क्या करना है, अब इसको सही करना है लेजर को, तो अल्टर पे चलना है, अल्टर पे जाने के बाद लेजर में जाना है, और लेजर में जाने के बाद कौन सा लेजर लेना है हमें, हमें लेना है सेल्स अकाउंट का लेजर। तो अभी देखिए सेल्स अकाउंट का लेजर जैसे ही मैं सही करूंगा तो ये सब जीएसटी कैलकुलेट होकर आने लगेगा अपने आप। तो ये देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पे, जीएसटी तो एप्लीकेबल ही है, ठीक है। और यहाँ पर आए और यहाँ पे ये गुड्स कर सकते हैं, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब चलते हैं एंट्री पास करते हैं, आपके सामने है सारी चीजें। अब यहां से वही इशिका डी जो डेटा पार्टी थी उसको ले लिया इशिका डी, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब जो भी आशीर्वाद आता था ले लेते हैं, ये ले लिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं लाइक 20 kg कर देते हैं, 20 kg ये हो गया, और 3500 रुपए किलो रेट कर देते हैं, ये आ गया 700 रुपए का 20। और यहाँ पे एंटरप्रेस करके, एंटरप्रेस करके अब यहाँ पे जीएसटी लगाइए, तो सी जीएसटी लगाया, तो जैसे ही जीएसटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब एस जीएसटी लगा लेते हैं, एस जीएसटी भी आ जाएगा, तो ये देखिए एस जीएसटी भी बना हुआ है, दोनों 63-63 रुपए के हिसाब से आ गया। अब इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, ये एक्सेप्ट करा लिया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि सेल्स में आपका जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा था, ठीक है। अगर आपने सही से एक्टिवेट किया है तो भी नहीं कैलकुलेट होता है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण तब हो सकता है जब आपकी डेटर पार्टी किसी अलग स्टेट से बिलोंग करती हो, लाइक उत्तर प्रदेश हमने किया है। अब अगर मान लीजिए कोई डेटर पार्टी है, लाइक मैं यहां पर कर देता हूं, और अब ये डेटर पार्टी है, ध्यान रखिएगा ये डेटर पार्टी है, इसे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डाल देंगे, तो ये सन्ड्री डेटर कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल और ये सब अभी क्रेडिट लिमिट वगैरह सब छोड़ देते हैं ऐसे, और यहाँ पर आकर के इसको एक्सेप्ट कराते हैं पहले। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं पीछे आता हूँ, लाइक कुमुद हमने बनाया है, इसको मैं एक बार फिर से अल्टर करता हूँ, अल्टर करना होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये अल्टर किया, लेजर को अल्टर करना है, कुमुद नाम था लेजर में, तो ये देखिए कुमुद आ गया, कुमुद ये
लाइक कुमुद स्टोरी, यही था ना, तो ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश है इनका, लेकिन इस बार हम चेंज करने वाले हैं, इस बार एमपी कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने मध्य प्रदेश, तो अभी डेटर पार्टी का स्टेट क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश से आए हैं तो कौन सा जीएसटी लगेगा, तब आईजीएसटी लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बी प्रेस कीजिए और यहां पर कर दीजिए इशिका डी, ठीक है, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये एंटर प्रेस करके यहां पे आ गए। अब देखिए यहां पर स्टेट जो है इनका क्या डालना है, एमपी डालना है, तो यहां पे मध्य प्रदेश कर दिया हमने, या एंटर प्रेस किया, यहां पे आ गया सेल्स अकाउंट। अब यहां पर आएंगे तो कुछ भी लाइक आशीर्वाद आटा ही है, तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहां पे क्वांटिटी डाल देंगे, तो लाइक 10 किलो ले लेते हैं 35 रुपए के हिसाब से, 35 35, ओके, तो ये 350 रुपए का सामान हो गया। अब इसको यहां पर आए, अब यहां पे सीजीएसटी लगाते हैं, तो यहां पे सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि स्टेट अलग हो गया ना, तब आपको यहां पर आईजीएसटी ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आई प्रेस करता हूं, देखिए अभी आईजीएसटी का लेजर ही नहीं बना है, तो यहां पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लिखिए आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लिख दिया। अब इसको डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है, तो यहां सिंपली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया आपने, इसे जीएसटी है जीएसटी रखिएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स है तो इंटीग्रेटेड टैक्स में डाल दीजिएगा। यहां पर आ जाइएगा, नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा, यहां पर राउंडिंग के लिमिट 2 लगा दीजिए, 3 भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो अभी यहां पे 64 रुपए आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है ना, खाली आईजीएसटी ही आएगा, ऐसा नहीं कि आईजीएसटी अलग आएगा और कोई जीएसटी अलग आएगा, जब आईजीएसटी लगाएंगे तो खाली आईजीएसटी ही लगेगा, ऐसा नहीं कि सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे लगता है, इसमें भी कुछ और भी लगेगा, खाली आईजीएसटी ही लगेगा। अब इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट 1000 का है, पहले से सेट कर रखा है, 1240 रुपए का सामान हो जा रहा है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्रेडिट लिमिट जब सेट करेंगे तो उतने ही का सामान आप उधारी में दे पाएंगे। यही चीज आप अगर कैश कर देंगे, लाइक यहाँ पे आप कैश कर देंगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसी को रखते हैं और ये लिमिट के हिसाब से ही काम करेंगे। तो यहां पर आ जाता हूं, आशीर्वाद आटा है, कितना किलो है, 10 किलो है नहीं, 5 किलो हम खरीदेंगे, 35 रुपए के भाव से 175 रुपए का हो जाएगा, तो अभी ये एडजस्ट हो जा रहा है, 207 रुपए का ही है, तो ये हो गया, ठीक है। ये अब देखिए फिर ये मना कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले की उधारी चुकता नहीं हुई है, तो ये इसलिए ऐसा कह रहा है, ठीक है, तो इसको आप हटा देते हैं। क्रेडिट लिमिट जो सेट किया मैंने, ये कहां से हटेगा, आपको जाना पड़ेगा इशिका वाले लेजर में, तो यहां पे चलते हैं, इसको अल्टर करते हैं, और अल्टर करने के बाद लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद आपको कहां जाना है, इशिका डी, ये आपको मिल जाएगा यहां पे, तो ये देखिए ये है इशिका डेटर पार्टी, और जो क्रेडिट लिमिट सेट किया है उसे आप हटा दीजिए यहां पे, ठीक है, यहां पे इसे डिलीट कर दीजिए, हटा देना है, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए वापस से वाउचर में, और आप जितने का मन करो उतने का उधारी सेल कर लीजिए, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है। तो इसका डी ले लेते हैं, एंटर प्रेस किया, सेल्स अकाउंट आ गया। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो भी आपको लेना है, आशीर्वाद आटा है तो आप जितना मन करे उतना बेच दीजिए, ठीक है, 50 किलो बेच दीजिए, ठीक है, 35 रुपए के भाव से 1750 रुपए का हो गया ना, अब देखिए 1750 रुपया एक्सेप्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, देख लीजिएगा सीजीएसटी लगेगा कि नहीं, तो लग गया। कारण क्या था लगने का, कि जो हमारी डेटर पार्टी है वो सेम स्टेट की है, ठीक है। अगर कोई अलग से आप डेटर पार्टी बनाते हैं जहां पर आपको आईजीएसटी लगाना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, देखिए अगर आप अल्टर करते हैं इशिका वाले लेजर को यहां से, लाइक ये देखिए ये इशिका वाला लेजर है, इसको मैं यहां से अल्टर कर देता हूं, तो अभी आपको यहां उत्तर प्रदेश मिल रहा है, ठीक है, मैंने वहां पे उस समय चेंज किया था लेकिन फिर ये हट गया था। तो अगर मैं इसको मध्य प्रदेश कर दूं तो अब आप इसमें और कुछ नहीं एंटर कर सकते, आपको आईजीएसटी ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से वी प्रेस कर लेता हूं और फिर आ जाता हूं यहां पर, और यहां पर इशिका डी अब लगा लिया है मैंने, तो अब यहां पर आपको आईजीएसटी डालना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी काम नहीं बनेगा। तो यहां पर जो भी आशीर्वाद आटा था ले लिया हमने, और सब क्वांटिटी डाल देते हैं, 50 किलो डाल देते हैं, और ये 1750 रुपए का हो गया। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर आप सीजीएसटी डालेंगे तो नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन यही अगर आईजीएसटी डाल देंगे तो बस कैलकुलेट होकर वो आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखिए आईजीएसटी, तो ये आ गया 316 रुपए। अब आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, ये देखिए ये एक्सेप्ट करा लिया, इसका प्रिंट देखना होगा, तो यहां दो बार डी प्रेस करेंगे
तो आपको प्रिंट भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देखिए शायद ये वाला है, यही वाली वो एंट्री है, ठीक है। अब इसको अल्ट के साथ पी प्रेस करके और प्रिंट भी दे सकते हैं। क्यों नहीं, जीएसटी कैलकुलेट होता है। वाउचर में मैंने बहुत सारी सेटिंग्स कर रखी है, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ प्रिंट इस तरीके से आएगा आपको।